इनके लब रंगी मिठावर के जिसने ठीक है। चांदी की डिब्बी में मर्द को तावीज पहनना, ये जो आजकल चांदी की डिब्बी आती है गोल और चकोर सी, तो इसमें भी ना तावीज़ मिलते हैं। और ये अजमेर शरीफ की गालिबन बात है कि यानी सवाल में जो दर्ज है कि अजमेर शरीफ से लाया हुआ तावीज़ है तो उसको गले में डाल सकते हैं। तो तावीज़ कहीं का भी हो, अजमेर का हो या बरेली शरीफ का हो या कहीं का भी हो, तो अगर वो चांदी की डिब्बी के अंदर है तो उसको मर्द तो कम से कम नहीं पहन सकता। और तावीज़ को निकाल के मोम जमा करके कपड़े वगैरह में पन्नी में लपेट उसको वाटरप्रूफ बना के पहन सकते हैं। हर किस्म का जायज़ तावीज़ पहना जा सकता है। इस पर तफसीली वीडियो तावीज़ के ताल्लुक से मौजूद है, यूट्यूब पे आप सर्च करके निकाल सकते हैं, सिकंदर वारसी अबाउट तावीज़ या फिर सिकंदर वारसी ऑन तावीज़, इस तरीके से आप सर्च करके उसमें पूरी डिटेल आप जो है वो देख सकते हैं, वरना रद्दे वहाबियत की प्लेलिस्ट के अंदर शायद वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ मायने नहीं रखती कि तावीज़ इस शहर का है या उस शहर का है या फलां बुज़ुर्ग की मज़ार का है, लिहाजा ये कि उसके अंदर तो तावीज़, क्योंकि चांदी मर्द को जो है वो पहनना दुरुस्त नहीं है सिवाय अंगूठी के। तो इस हिसाब से अगर ये चांदी की डिब्बी पहनेगा तावीज़ डाल के तो भी इसको पहनना जायज़ नहीं, चाहे वो कहीं का भी हो। और अगर इसी तरह ये अंगूठी के सिवा दूसरी चांदी पहनकर नमाज़ पढ़ेगा तो यानी वो चीज़ जो मकरूह है उसे पहनकर नमाज भी मकरूह है। और जहाँ पे फुकहा लफ्ज़ मकरूह का इस्तेमाल करते हैं खुसूसन नमाज के ताल्लुक से कि नमाज मकरूह है, तो फिर उसमें अक्सर मामला ये होता है कि उससे मुराद मकरूह तहरीमी ही होता है। तो ऐसी चीज़ के जिसका पहनना ही जायज़ नहीं है तो उसमें नमाज़ पढ़ना भी वो मकरूह तहरीमी है। तो इस किस्म के तावीज़ अगर हैं तो उनको उतार के उसमें से तावीज़ निकाल कर और कपड़े के अंदर लपेट के पहन लें। और ऐसी नमाजें जो तावीज़ में या चांदी की डिब्बी के पहने हुए तावीज़ में पढ़ी हों तो इनका यादा भी करें। और साथ में इस किस्म की नमाजें के जो आजकल मज़ार पर ही मिलने वाले कड़े भी होते हैं हाथों के, लोग कड़े पहनते हैं या बुंदे वगैरह बाली डाल रहते हैं कानों के अंदर, तो इस किस्म की नमाजें भी ये मकरूह तहरीमी हैं। और हर वो नमाज जो कराहते तहरीमी के साथ पढ़ी जाए उनका यादा करना वाजिब है। तो इस किस्म के कड़े वड़े उतार कर चैन लॉकेट चांदी के हों या सोने के या दूसरी किसी भी मामले के मर्द को उतार के ही नमाज पढ़नी चाहिए और चांदी की डिब्बी भी इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर से तावीज़ के लिए। पत्थर में असल लाले पुरनवार